नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे हिलसा मछली के बारे में और जानेंगे कि आखिर हिलसा मछली में ऐसी कौन सा ऐसा गुण है या फिर कौन से उसके ऐसे लाभ हैं जो वो 1000 रुपये किलो बिकती है। बिहार में मछली उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। बिहार में युवाओं का एक बड़ा तबका मछली उत्पादन पर जोर देने लगा है। ऐसे में हम देख सकते हैं कि अब गाँव में तेजी से नए तालाब खोदे जा रहे हैं। बिहार समेत पूरे भारत में हिलसा मछली की बहुत डिमांड रहती है। सबसे ज़्यादा दामों में बिकने वाली मछलियों में से एक है हिलसा मछली। अब बिहार में मछली उत्पादन कर रहे युवा हिलसा मछली की तरफ भी उत्पादन शुरू कर रहे हैं। आपको बता दें कि पटना की बाजार समिति स्थित मछली मंडी में हिलसा मछली नहीं मिलती है। अब यानी कि कुछ लंबे समय से जो है इस बाजार समिति में हिलसा मछली नहीं दिखाई देती है। अब लोग उसका स्वाद भी भूलने लगे हैं। अब उसके विकल्प के तौर पर बर्मी हिलसा से जुड़े हुए 2 प्रोजेक्ट बिहार में शुरू हुए हैं। बर्मी हिलसा के उत्पादन को इस मामले में भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि महज 1 एकड़ में तालाब में 15 लाख रुपए की कमाई इससे संभावित अनुमान लगाया गया है, क्योंकि इसके स्थानीय भाव 1000 रुपये प्रति किलो और निर्यात मूल्य जो है वह 4000 रुपये प्रति किलो है। इसे बिहार में एक क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। आइए जानते हैं बिहार में आखिर क्यों नहीं मिलती है हिलसा मछली। दरअसल गंगा नदी पर 1972 में फरक्का बांध बनने के बाद से पानी का बहाव रुक गया और हिलसा भी बिहार की जगह बांग्लादेश चली गई। पटना बाजार समिति के अध्यक्ष ने बताया कि 5 दशक से मंडी में हिलसा यानी कि हिलसा मछली नहीं आ रही है। मछली के व्यवसाय करने वाले लोगों का कहना है कि कोलकाता से 20 से 25 किलो मछली ही पटना आ पाती है। इसका बाजार में कीमत 1000 रुपये किलो होने की वजह से इसे कुछ ही लोग खरीद पाते हैं। बाजार में हिलसा मछली की कमी को देखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान हैदराबाद और नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड की एक्वा क्लिनिक की नोडल एजेंसी सृष्टि फाउंडेशन ने हिलसा मछली की जगह अब बारहवीं हिलसा के प्रजनन और विकास से जुड़े इनोवेटिव प्रोजेक्ट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर के सामने एक प्रोजेक्ट रखा है। इसी प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश में समस्तीपुर के कलजौर पंचायत, वैशाली के जंदाहा में इसके उत्पादन की शुरुआत की जा रही है। हिलसा मछली स्वाद और खूबसूरत बनावट के लिए काफ़ी जानी जाती है। 100 ग्राम हिलसा मछली में लगभग 310 कैलोरी, 25 ग्राम प्रोटीन और 22 ग्राम वसा होता है। 100 ग्राम अगर हिलसा मछली से आपको अपने रोजाना की जरूरत का 27% विटामिन सी, 2% लोहा और 204% कैल्शियम मिल जाता है। हार्ट की बीमारी वाले मरीजों के लिए हिलसा बहुत ही फायदेमंद है। इसमें पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड दिल और उसकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अगर आपको उच्च रक्तचाप की समस्या है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इससे लो फैट होता है जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या दूर हो जाती है। एक रिसर्च की माने तो हिलसा मछली के नियमित सेवन करने से रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है, जिससे धमनी से जुड़े रोगों का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा हिलसा को कैंसर में भी फायदेमंद माना जाता है। हिलसा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कैंसर कोशिकाओं को बढ़ाने से रोकता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हिलसा मछली में मौजूद पोषक तत्व और फैटी एसिड मस्तिष्क के लिए भी फायदेमंद होता है। इसके नियमित सेवन से याददाश्त तेज होता है और एकाग्रता भी बढ़ती है। बच्चों को बचपन में हिलसा मछली खिलाने से उसकी बुद्धि में तेजी से विकास होता है। चूंकि इसमें विटामिन ए की मात्रा भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसको आंखों और हड्डियों के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। इतना ही नहीं, मछली के सेवन करने से बाल और त्वचा दोनों खूबसूरत बने रहते हैं। इससे आपकी त्वचा में नमी हमेशा बरकरार रहती है और बुढ़ापे के लक्षण बहुत कम नजर आते हैं। तो बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।